राम तेरे युग का रावण ही अच्छा था जो कम से कम ये 10 के 10 सिर बाहर तो रखता था। जी हाँ, आज तक आप लोगों ने विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन रावण दहन होते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको रावण की मेकिंग दिखाने वाली हूँ। ये जो मेरे साथ आप एक पुतला देख पा रहे हैं, ये रावण का पुतला है। वहीं अगर बात की जाए साथ के पुतले की तो वो है कुंभकर्ण का, और वहीं यहाँ की बात की जाए तो ये पुतला है मेघनाथ का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों पुतले एक जैसे दिख रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा भाई कि इन तीनों पुतलों के अंदर क्या अलग है? अगर आप लोगों को दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बताते हूँ। ये आप लोग देख पा रहे हैं मेघनाथ का पुतला, जिसके कान आपको नजर आ रहे होंगे बड़े बड़े। वहीं अगर कुंभकर्ण के पुतले की बात की जाए तो कान आपको बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन भाई रावण के कान कहाँ है? तो आपको बता दूं, रावण के कानों की जगह के ऊपर ये 10 सिर लगने वाले हैं, इसकी वजह से रावण के कान नहीं बनाए जाते हैं। हालांकि अगर हिसार शहर की बात की जाए तो हिसार शहर के अंदर पहले जो है इस तरीके के रावण बनाए जाते थे, जिसके अंदर आंखें भी घूमा करती थी, सिर भी हिला करता था और मुंह भी जो है लिपसिंग किया करता था और पीछे से एक आवाज चला करती थी जो रावण की हंसी होती थी, हा 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 मैं रावण हूँ, मैं लंकेश हूँ, लंकापति हूँ, इस तरीके की आवाजें चला करती थी। लेकिन आपको बता दूँ, रावण को भले ही हिंदू समाज के अंदर दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता हो, लेकिन अगर रावण की बात की जाए तो रावण को श्रीलंका के अंदर उसी दिन पूजा भी जाता है। जी हाँ, रावण की पूजा की जाती है। तो वहीं अगर हमारे हिंदू समाज की बात की जाए तो कई जगह दशहरे से पहले जो है रावण जी को जो है कई जगह प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, उनके पांव भी छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि भले ही हमारे हिंदू समाज के अंदर जो है बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है दशहरा, लेकिन अगर रावण की बात की जाए तो रावण जो है एक प्रतिष्ठित पंडित थे, और आपको बता देती हूँ कि 4 वेदों का ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए थे। इसके अलावा शिव जी का वरदान इनको प्राप्त था कि इनको कोई भी मार नहीं सकता, सिर्फ इनकी सूंडी के अंदर जब तक प्रहार नहीं किया जाता, तीर नहीं लगता, तब तक इनका कोई नाश नहीं कर सकता। इतने विज्ञानी पंडित ये थे कि हर जगह जो है इनकी पूजा भी की जाती है। जब इनको मारा नहीं गया था, उससे पहले जो है अनेक राजाओं के अंदर रावण का नाम गिना जाता था। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार दशहरा मनाया किस लिए जाता है? दशहरे को हम लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन बात की जाए रावण की तो आपको बता देते हैं, रावण एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने सीता का अपहरण जरूर किया था, लेकिन सीता को छुआ तक नहीं था। जी हाँ, इसी वजह से अगर बात की जाए रावण की तो रावण का व्यवहार पहचाना जाता है, लेकिन अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने माता सीता को जो है अपहरण कर लिया था, उसके बाद अपनी लंका के अंदर रखा था, और हनुमान और राम जी ने आ करके सीता माता को बचा लिया था। लेकिन इस बार हिसार के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है रावण के अंदर, तो आपको बता देते हैं। ये जो आप 10 के 10 सिर देख पा रहे हैं और ये तैयारियां होते हुए देख पा रहे हैं, कुछ अलग तैयारियां नजर आ रही होंगी, तो आपको बता देते हैं कि 5 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर रावण दहन किया जाएगा, और रावण दहन करने के लिए खास तौर के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आने वाले हैं। तो तैयारियां कैसी चल रही है वो अभी आपको दिखा देते हैं। हालांकि अगर बात जाए इस पुतले की तो ये सारा का सारा पुतला जो है बांस से और कार्डबोर्ड से बनाया जाता है। अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल नाक के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा जो है कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड और ग्लू के साथ जो है ये पुतला बनाया गया है। और इसके अलावा तीनों के अंदर अलग बात ये है कि इसकी पट्टी काली रखी गई है, इसकी पट्टी जो है चमकदार रखी गई है, उसकी पट्टी जो है थोड़ी सी भूरे रंग की रखी गई है, ताकि अलग अलग पता लग जाए। इसके अलावा ये बन कहाँ रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ महावीर स्टेडियम के ही रावण यहाँ पर तैयार नहीं होते, एक छोटा सा रावण वहाँ दिख रहा होगा, तो अलग अलग रावण भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, वो है बीड़ बबरान के लिए।
और आपको बता देते हैं कि कल जो है राम जी की बारात निकलने वाली है और उसी की तैयारियां करने के लिए आज यहां पर लगे हुए हैं। चमकदार पेपर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अलावा जो है अलग अलग चीज़ें यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मुकुट आप लोग देख पा रहे हैं, रावण का मुकुट अलग है, मेघनाथ का अलग है, कुंभकर्ण का अलग है, एक और मुकुट भी रखा हुआ है और वो है छोटे रावण का जो भीड़ बबरान जाने वाला है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये आप लोगों को अगर समझ आ रहा है क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। लेकिन इससे पहले आपको बता देती हूँ कि ये है स्वयंवर का धनुष। जी हाँ, जिस धनुष को तोड़ करके राम जी ने माता सीता को स्वयंवर के अंदर हासिल किया था, ये वही धनुष यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा जिस तीर से जो है रावण की नाभि के अंदर मारा गया था, ये वो तीर है, ये भी बन करके भाई तैयार हो चुका है। सिर्फ इसके ऊपर चमकदार चमकीले पेपर लगाने बाकी है। भैया जो है तैयारी कर रहे हैं पूरी। भैया मुझे ये बताइए कि क्या बना रहे हैं ये? ये हाथ है। हाँ। कितने दिनों के अंदर ये हाथ बन जाते हैं सारा कुंभ, ये में कितने दिनों में तैयार हो जाता है पुतला? 12 फीट का, ये 12 फुट वाले का। हाँ। भाई आपको बता देते कि इस बार हिसार की बात की जाए तो पिछले साल कोरोना के चलते बोना रावण बनाया गया था खाली 25 फीट का, और इस साल बात की जाए तो 25 की डबल हाइट से भी ज़्यादा का रावण है, यानी कि 60 फीट का रावण होगा, 55 का कुंभकर्ण होगा, 50 का मेघनाथ होगा। और तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं ये भुजाएं हैं जो आपको पीछे काली नीली और पर्पल कलर की दिखाई दे रही हैं। इस तरीके की भुजाएं जो है इस बार आपको हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर देखने को मिलेंगी, और भुजाएं जो है कपड़े से बनाई गई हैं। इन कपड़ों के अंदर आतिशबाजियां डाली जाएंगी, और ये भी कपड़ा जो है जो सूट का कपड़ा होता है बिल्कुल उसी तरीके का कपड़ा है। और ये रावण आप लोग देख सकते हैं, कई रावणों की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। और ये जो आप पूरा का पूरा ढांचा देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी बांस की लकड़ियों से बनाया हुआ है, और ये बांस की लकड़ियाँ बाहर से मंगवाई जाती है और इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाने के बाद नीचे डंडे लगा करके इसको रख दिया जाता है ताकि नीचे से जो है वो कपड़ा ख़राब ना हो। ये है पुतले की बैक साइड जो काला कपड़ा लगाया गया है, और ये है पुतले की आगे की साइड जिसके ऊपर एक प्रिंटेड कपड़ा लगाया गया है। कारीगर आप लोग देख सकते हैं, पूरे 9 कारीगर की टीम इस बार लगी हुई थी। कितने टाइम के अंदर ये पुतले बन करके तैयार हुए वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। टेलर मास्टर लगातार यहाँ पर ये कपड़े सिलते जा रहे हैं, जितना जितना नाप है उतने उतना सिलते जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कारीगर जी कि कहाँ से आए हैं आप? हम तो हिसार में ही रहते हैं लेकिन हमारा गांव बिहार है। अच्छा, बिहार से आए हैं। तो कितने सालों से ये रावण बना रहे हैं? साल क्या बताऊं मैं, 8 तारीख से लगा हूँ। 8 तारीख से लगा। आपको बता देती हूँ 119वां रावण हिसार के अंदर बनाया जा रहा है। और ये बताइए लगभग कितने दिन से स्टार्ट किया था और कितने दिन लग जाते हैं रावण बनाने में? कहे ना पिछले महीने 8 तारीख से लगे हैं। अच्छा, यानी कि पूरा महीना लग गया है। और कब तक बन करके तैयार हो जाएंगे? 3 तारीख तक। मेहनत कितनी लगती है? आप भी रावण की हंसी हंसने लगे। देख रहे हैं कि मेहनत कितनी है। अब तो कुछ मेहनत नहीं है, बांस फाड़ना, चिरना, सजना, मोरना, घुमाना, वो तो देखते उस टाइम में। तो आप तो कपड़े चढ़ा रहे हैं। देखिए कितनी मेहनत लगती है, पूरा कपड़ा खींचना पड़ता है, और जब तक कपड़ा नीचे नहीं आता ना तब तक बन करके तैयार नहीं हो सकता। पूरा कपड़ा नीचे लेकर के आना पड़ेगा और जितना खींच सकते हैं, जितना दम है उतना खींच करके इसको नीचे ला करके उसके बाद यहाँ पर एक जो है फ्लेक्सिबल वायर से इसको टाई कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है रावण बन करके तैयार होगा। लगभग 1.5 महीने की मेहनत लगती है। जब मेहनत लगती है और बन करके तैयार होता है कितनी खुशी होती है? लाओ मुझे पकड़ा दो, बताओ कितनी खुशी होती है? जलाने के बाद कितना दुख होता है? वही पूछना चाह रही हूँ मैं कि जब 1.5 महीने की मेहनत लगती है तब जलाने के बाद कितना दुख होगा? नहीं, हमें तो रोजी रोटी मिला हुआ है जी। अच्छा। और ये नहीं परंपरा से आता तो ऐसे कैसे होता? तो शुरुआत है परंपरा से, न जाने किसने शुरू किया रामलीला का, किसने बनवाया। अच्छा मुझे ये बताइए, जब मान लीजिए मैं खबर बनाती हूँ, मेरी खबर 1 सेकंड के लिए अगर वो डिलीट हो जाए, अब मतलब मेरी वीडियो उड़ जाए तो मुझे दुख होगा कि मैंने इतनी मेहनत की। आपकी 1.5 महीने की मेहनत जब आपकी आंखों के सामने हर साल जलती है तो मन के अंदर क्या आता है? होता है थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है। हाँ। दुख तो होता ही है, से हम बनाए हमारे मेहनत जल रहा है।
अच्छा ये बताइए अभी इसके अंदर क्या भरा जाएगा? इसके अंदर फूस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? फूस बाजरे की। अच्छा फूस भरा जाएगा यानी कि सूखी घास भरी जाएगी। हिसार में हर साल प्रमोद जी यहाँ पर मिलते थे, हेल्दी से थे, कहाँ गए इस साल वो? इस साल स्वर्गवास हो गए, स्वर्ग में हैं। प्रमोद जी नहीं रहे? नहीं रहे। मतलब हुआ क्या ऐसा? अब भगवान जाने, उनकी तबीयत खराब था। चलिए आपको बताते हैं, हिसार के अंदर प्रमोद जी पिछले 118 सालों से रावण का काम करे और प्रमोद जी के ही ये चेले हैं जो आज भी यहाँ पर ये रावण के पुतले बना रहे हैं, पूरा रावण परिवार तैयार कर रहे हैं और उनका बेटा अब इसको संभाल रहा है। इसके अंदर आतिशबाजियाँ कहाँ से मंगवाई जाएंगी? दिल्ली से। दिल्ली से, तो पूरी की पूरी आतिशबाजियाँ दिल्ली से मंगवाई जाएंगी। इसके अलावा इस रावण के अंदर इस बार जो है रिमोट से इसको जलाया जाएगा या तीर मार करके जलाया जाएगा। ये रावण के सिर आपको दिखा दिए और पीछे आपने रावण का धड़ भी देख लिया है कि बन करके तैयार हो रहा है। पूरे पेट भी, उसके साथ साथ छाती भी रावण की, टांगे भी। ये है रावण की टांगे जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और रावण के हाथ भी बन करके तैयार हो गए हैं। लेकिन कितने दिन की मेहनत लगी वो जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए कितने दिन की मेहनत लगी इसमें? इसे बनाने में हमें 1 महीना लगा है, जिसमें हमारे 10 आदमी वर्क कर रहे हैं। और ये जो पेंट किया जाता है, ये पेंट नॉर्मल पेंट होता है, कैसा होता है? ये फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट होता है यानी कि जो डिस्टेंपर होते हैं वह उस तरीके का कुछ पेंट किया जाता है। डिस्टेंपर प्लस फ्लोरोसेंट जो ट्यूब वगैरह आती है उससे हम ब्लैक कलर करते हैं। बिल्कुल, बारिश में ये भीगे नहीं। ये कारीगरी जो आप देख पा रहे हैं इतनी सुंदर बारीकी से जो बनाई हुई है वो इन्हीं भैया की बनाई हुई है। यही भैया एक बार अपना फेस दिखा दीजिए, यही वो हमारे पेंटर भैया हैं जिन्होंने पूरी की पूरी कारीगरी की है। अच्छा गोल्डन पेंट, अच्छा। अलग अलग कलर के कागज वगैरह। ठीक है, ये बताइए महावीर स्टेडियम के अंदर कब तक बन करके ये तैयार हो जाएगा, पहुँच जाएगा? ये 4 तारीख के लगभग सुबह हम ले जाएंगे, शाम तक रेडी हो जाएगा। यानी कि एक दिन पहले ही खड़ा कर देते हैं वहाँ। जब खड़ा करते हैं तो किस तरीके की तैयारियाँ लगती हैं? इसे जो पहले ये सब जोड़ा जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्रेन से वहीं ले जा करके जोड़ेंगे। अभी ये पार्टीशन में जैसे मुकुट वगैरह, उसके बाद इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद क्रेन से खड़ा किया जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको बता देते हैं कि इस बार रावण की तैयारियां पूरी हो चुकी है बन करके और 4 तारीख तक को उम्मीद है कि पहुंच जाएगा महावीर स्टेडियम के अंदर, क्योंकि इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एज चीफ गेस्ट हिसार की विजयदशमी यानी कि दशहरे के ऊपर पहुँचने वाले हैं और शायद हो सकता है कि इस बार रावण दहन भी वही करें। उम्मीद लगाई जा सकती है, कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन होगा क्या वो सब आपको 5 तारीख को पता लगेगा। तो ज़्यादा संख्या के अंदर महावीर स्टेडियम के अंदर पहुंचिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी मेहनत जब आप लोग देखने के लिए आते हैं ना तो एक कारीगर के दिल को उतना ही सुकून मिलता है जितने उसको दर्द होता है इसके जलने पे। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपके शहर के अंदर, आपके एरिया के अंदर किस तरीके का रावण बनाए, क्या उसकी आँखें इस साल घूम रही है या नहीं घूम रही, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट है हिसार से, नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप।